हंसते हुए को रुलाना और रोते हुए को हंसाना होता है बहुत जटिल। तो लीजिए आपके सामने आ रहे हैं कपिल ठोकताली। वेलकम टू द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त कपिल शर्मा। वैसे तो आप सब यहां बहुत बार आए होंगे, ये फंक्शन हॉल, ये स्टेज, ये डांस, ये कॉम्पिटिशन, बट द थिंग इज आज इतना बड़ा सेलिब्रिटी आपके सामने खड़ा है, हाउ आर यू फीलिंग? वैसे तो भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, पर आज मैं थोड़ा फ्री भी था और आज सैटरडे संडे भी नहीं था भाजी। और इन INIT वालों ने एक नया कोर्स शुरू किया है भाजी, कॉमेडी कोर्स भाजी, उसका मेंटोर मेरे को बनाया है भाजी, इसलिए मैं आ गया भाजी। और मैंने ये भी सोचा कि चलो आज मैं इनको अपना जलवा दिखाई देता हूँ भाजी। पर भाजी कुछ भी हो, जो भी हो, मैं एक जना है जिसको अपने साथ बिल्कुल नहीं लाना चाहता भाजी, वो है मेरी वाइफ बड़े होटल वाली सुमोना भाजी। जब से मेरी जिंदगी में आ गई है, जीना मुश्किल कर दिया भाजी मेरा। वो तेरी वाइफ है, उसको थोड़ा प्यार दे, वो तेरी पूजा करेगी। अरे क्या खाक पूजा करेगी बाजी, उसके बाप ने भी उसे खाली हाथ ही भेज दिया, बाबा जी का ठुल्लू देखे। और बाजी खाली हाथ से याद आया, जब अमेरिका में सेब गिरा था तो न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली थी बाजी, पर जब ये सेब इंडिया में गिरा बाजी तो दो जने सोचते सोचते ही मर गए कि इसे खाएगा कौन बाजी। कपिल के आने से शुरू हो गई इसकी लाइफ। लो फिर किटपिट करने आ गई इसकी वाइफ। पर भाजी मेरी वाइफ के आने से पहले मैं गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ भाजी, हमारे गेस्ट मोहित बराड़ जी, जो बहुत बड़े स्टाइलिस्ट है भाजी। तो सो प्लीज वेलकम एंड क्लैप फॉर मोहित परा। आइए भाजी, कैसे हैं आप? रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, वो सॉरी भाजी दीपिका पादुकोण नहीं, वो मेरी दीपू है भाजी, आई लव हर भाजी। तो भाजी आपको किसके साथ ज्यादा मजा आया भाजी, दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर भाजी? हाँ भाजी ठीक है, रणवीर इज हॉट, पर अपनी अपनी चॉइस होती है भाजी, मेरे को तो दीपिका पादुकोण ही अच्छी लगती है भाजी, मैं दीपू भाजी। पर भाजी एक चीज और, वैसे आप शादी कब कर रहे हैं भाजी? मेरे बड़े चांद कॉन्फ्रेंस है, जब करण जो शादी उसके बाद हम कर लेंगे। मतलब आप लड़के से शादी करेंगे? तो भाजी वैसे एक चीज और, वैसे आप बचपन से ही चूसे में आम है कि अभी हुए हैं भाजी? जब से मेरी लाइफ में चार बॉयफ्रेंड्स आए हैं तब से। बाजी थैंक यू थैंक यू। चलो बाजी बातें तो आपसे होती रहेगी, अब हम अपना शो आगे बढ़ाते हैं बाजी। शर्मा जी, ओ गुरु, कपिल के आने से शुरू हो गई इसकी लाइफ, लो फिर किटपिट करने आ गई उसकी वाइफ, ठोको ताली। शर्मा जी आपने यहाँ भी मेरी बेइज्जती शुरू कर दी, फिर मैं बताऊँ क्या? अरे तू क्या बताएगी बाजी, मैं बताता हूँ, जब से हमारी शादी हुई है इसके बाप ने मुझे कुछ भी नहीं दिया बाजी, सिर्फ दो चीज दी, एक ये खुद बड़े होठ वाली और एक बकरी बाजी, जो दूध भी नहीं देती, सिर्फ घटाघट देती है, वो खाने काम भी नहीं आती बाजी। आपने कभी मेरी तारीफ की है जो आज करेंगे? छोड़िए, आप मुझे थोड़ी फैशन स्टाइलिंग सिखाएंगे क्या? तेरे को और फैशन स्टाइलिंग? बाजी आदमी कुछ बोलने ही नहीं देता है। या श्योर। वैसे तू इतना बड़े बड़े मुंह क्यों खोल रही है? इतने बड़े मुंह तो तू पिज़्ज़ा खाते वक्त भी नहीं खोलती। शट अप, आप यहाँ बकबक कर रहे हैं, मैं आपका बाजार में एक घंटे से वेट कर रही थी। तो क्या हुआ?
तो क्या? तो वो वहाँ खूबसूरत सी एक लड़की है, वो भी मेरा एक घंटे से वेट कर रही है। तो जब 5 स्टार का बुफे लगा हो तो लंगर कौन खाएगा बेवकूफ औरत? अरे जा बाजी, वैसे यहाँ एक हैंडसम से लड़के बैठे हैं। Excuse me, एक्सचेंज ऑफर चलेगा क्या? अरे मेरा तो टिकट कट चुका है, मुझे काम बना लो। ये आदमी साल में अपना बर्थडे तक नहीं मनाता, मैं इसके साथ क्या बनाऊंगी? अरे बाजी, एक बार शादी हो जाए ना फिर इंसान को पता पड़ता है कि इंसान क्या बना सकता है और क्या नहीं बना सकता। शर्मा जी, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे जा। हो जाए सबकी पूरी दुआ, हो जाए सबकी पूरी दुआ, सारी पब्लिक शांत हो जाओ, लो आ रही है बुआ। तो बता दी पागल हो गई हुआ? यहाँ पैदल घूमने के पैसे नहीं तो ऑटो में घूम रही है? नहीं, मैं ऑटो में नहीं घूम रही हूँ। वो ना मैं ना उससे जुए में हार गई। जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया हुआ? वैसे कहाँ से आ रही है सज सज के इतनी रात को? वो ना मैं अपनी फ्रेंड की शादी में चली गई थी। कौन सी फ्रेंड की शादी हुआ? झूठ कम बोला कर। तेरी फ्रेंड की शादी 1980 में हुई थी आखिरी, अब कौन सी फ्रेंड की शादी? क्या बकवास कर रहा है? लो जी, अब फ्रेंड की बेटी भी तो फ्रेंड ही होती है। और सुन ना बिट्टू, वहां सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे। अच्छा, तुझे घूर घूर के देख रहे थे? तेरे में है क्या घूरने लायक ये तो बता पहले। तुझे घूर के नहीं देख रहे थे, वो तेरी बड़ी सी प्लेट को घूर के देख रहे थे। उसमें 20 नान रखेगी, फिर चिकन रखेगी, फिर दाल रखेगी, फिर राइस रखेगी, इतना खाएगी तो तेरे को ही देखेंगे ना सब। चुप कर, ये इन सबको मत बता। तू एक काम कर, तू मेरी शादी करवा दे। एक काम कर, ये अजय सर से ही करवा दे। तो बुढ़ापा आ गया फिर भी तेरा शादी करने का चस्का गया नहीं? जा खुद ही पूछ ले, मैं तो नहीं कराना तेरी शादी वादी। वैसे घर वालों ने मेरे लड़की ढूंढी है, हुआ नहीं चाहिए। बिट्टू, कौन है ये आदमी? और घुसे अपनी हर जगह नाक, मना किया था ना, मिल गया ना बाबा जी का ढुल्लू। पहले भी मैंने तारीफ की थी तेरी, पिछली बार भी मैंने तेरा फोटो भेजा था लड़के वालों को, बोल के भेजा था 20 साल की लड़की है। उनने मेरे को वापस कर दिया, बोले मर्सिडीज मांगी थी, सेकंड हैंड साइकिल नहीं। अब झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना पच सके। अब आप ही बताइए, क्या मैं त्वंती की लगती हूँ? अगर त्वंती तू बोलते तो बात बन जाती। एक तो तू हुआ ये 20+20+ करना बंद कर, पहले अपने सफेद बाल आगे लटका, फिर देख तू 20 की है कि 40 की है। तू चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो, जा मैं तेरे से बात नहीं करती। आ जा, दबाव हो जाए, कर दे, अपनी शक्ल मत दिखाना। फिट है मुँह। एक तो बाजी ये सर फटा जा रहा है और कोई चाय भी नहीं पिला रहा बाजी, एक कप। कहाँ मर गया मेरा ये नौकर? साहब जी, यू अपने आप को दुखी ना, यू अपने आप को दुखी ना कर, ले चाय लेके आ गया तेरा नौकर। कोको ताली। साहब जी। हाँ क्या हुआ बे? साहब जी बाहर पुलिस वाले आए हैं। अच्छा क्या बोल रहे हैं? साहब जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कह रहे जिसका जो जो गुम हो गया वापस दिलाएंगे। तो उनको बोल कि अपने घर में आए, अपने घर में भी बहुत बड़ी चोरी हुई है, वो मेरे पर्स से भी 10 लाख रुपए चोरी हो गए।
क्या बात कर रहे हो साहब जी, 10 लाख वो भी आपकी जेब से? क्यों नहीं हो सकता क्या? क्या साहब जी आपके कुल बैंक अकाउंट मिला क्या 1500 ना जमा कर पाओ, 10 लाख की बात कर रहे हो? पाजी आपको पता है इनके पर्स की हालत ना प्याज जैसी है, खोलते ही आंसू आ जाते हैं पाजी। अरे दादा भोगड़ की बातें कर रहा है, मेरे पास पर्स तो है साले, तेरे पास तो जेब भी नहीं है पर्स रखने को। और पाजी कभी हम 4 जने नाश्ता करने चले जाए ना तो ये झूठ मूठ पर्स निकाल के दिखा भी नहीं सकता कि चलो आज का बिल मैं कर देता हूँ। रहने तो साहब जी, टाइम से पका दिया होता तो आज ये मेरा हाल ना होता। पाजी आपका पता है पिछले 2 साल भी इन्होंने मुझे 200 रुपए भी नहीं दिए, बात कर रहे। अरे यार चाय पीने के पैसे नहीं तो पगार मांग रहा, शर्म नहीं आ रही? दबा हो जाएगा बेवकूफ। क्या बात कर रहे हो पाजी, ये लोग इतने चिन्हों से है, कल एक बिल्ली रोती हुई निकली इनके घर से, कहने लगी इनके घर का 1 ग्लास दूध पी लिया तो इन्होंने 1.5 ग्लास दूध निकाल लिया उससे, बात कर रहे हो। सिद्धू जी नो नो नो, झुक जाइए, आपकी पीछे लड़की है। अबे कौन है तू, भूटान के दर्पण से कहां से आया तू है? सुपॉन सुपॉन, तेरे बाप का क्या जाता है? साले बाप पे जाता है। Oh my God, my God, I'm a big fan, sir. Hey, दूरत, दूरत, दबाओ। जब भी मेरे घर को सेलिब्रिटी आता है, साले तंग करने आ जाता है तू उसे। Excuse me. Shut up. Hey, shut up बोल रहा है, सुपर है, सुपर है, तू है कहाँ से, मैं कहाँ से आया तू? Paris. Paris, sir. No, no, no. हर, इसमें क्या लिखा है? ऐसे बोलना हिंदी में। तो अम्मी जोड़ी ला, इसमें लिखा है कि आयना एफडी वालों ने इसे लंदन भेजा था और लंदन में इससे मोहित ब्रार जी ने $5,000 उधार लिया। लंदन में डॉलर चलते हैं? मेरे को सिखा ना तू, लंदन में पाउंड चलते, कभी गया लंदन? क्यूरियस क्यूरियस, चल बे चल। क्या हुआ मेरी गलती, क्या होगा? नो नो नो, फोन 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 है, कहाँ से आया फोन? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से? No. California. California. Ere. California. हाँ माँ, भैंसिया दूध नहीं दे रही है का? साले देश के तमिल से आया और बोल रहा लंदन से आया। आज वैसे बहुत पका लिया इन्हें, आज मेरे को बहुत पका रहे हैं। लगता है बुआ की तो नहीं होगी शादी, लगता है बुआ की तो कभी नहीं होगी शादी, तो आपके सामने आ रही है दादी। बिट्टू क्या है दादी? कारण के खोते ना पुत्र बिट्टू। दादी तुम फिर भी क्या गई आज? मैं कहाँ पी के आई हूँ? मैं तौबा तौबा नहीं पी के आई हूँ, देख मैं अपनी नाक के सिर में चल सकती हूँ। झूठ मत बोल दादी, सीधा चला तो जा नहीं रहा, 2-3 बोतल डाउन है तू। 2-3 बोतल? ना ना ना, सिर्फ 6 पैक से गला गीला किया है। अच्छा ऐसा क्या हुआ था जो तुझे गला गीला करना पड़ गया? गम। काहे का गम? तेरे दादाजी की बहुत याद आ रही आज मुझे। जब जिंदा थे तब तो कभी याद किया नहीं है, और मरने के बहाने दारू पी लो रोज रोज, क्यों गला आया? तू क्या समझेगा मेरे गम? ये क्या लगी दादी आज तू? ये तोता नहीं है तू चुरा के है, पहले मुर्गियां चुरा कर दी थी, तोते चुराना स्टार्ट कर दिया तूने। ये कोई साधारण तोता नहीं है। क्यों, ऐसा क्या इस तोते में अनोखा है जो? बहुत कीमती तोता है, ये कुंडली बताता है। अच्छा तेरी बताई थी? और नहीं तो क्या, पड़ोसी से पूछ के आई थी। पड़ोसी से पूछ के आई थी? मोहित ब्रार। दादी परेशान मत कर दादी, हमारे गेस्ट है वो दादी। गेस्ट तो क्या, मैंने कब परेशान किया इसको? हाय कितना चिकना मुंडा है। परेशान मत कर दादी, दफा हो जाए घर से। ऐसे कैसे दफा हो जा, इतू से था तू जब तू आया था, इसकी चोटी बराबर चोटी भी बड़ी है तुझसे। मटर के दाने जैसे था, टुकुर टुकुर देखता रहता था पूरा दिन। तब तो बड़ा हो गया हूं ना दादी। कोई ऑप्शन नहीं था तेरे पास दूसरा, बड़ा होने के अलावा। पहले खुद की देखी थी तूने दादी? नहीं, तेरे दादाजी लिख के गए थे मेरी कुंडली। अच्छा फिर मेरी भी लिखवा देती ना हाथों हाथ। तेरी अम्मा अलाउ नहीं
कर रही थी, नहीं तो लिख देती तेरी कुंडली कुछ तो अच्छा बन जाता। तू भी हाय, इसकी कुंडली में लिखा है जी चरहरी नौजवान सी लड़की के साथ इसे नाचने का मौका मिलेगा। दादी ये लड़कियों के साथ नहीं नाचता है। क्यों, इसका टेस्ट कुछ और है क्या? अब तू ही पूछ ले दादी। खैर छोड़ो, दिखता तो अच्छा है चिकना सा मुंडा, पर जो भी है नाचना तो इसे मेरे साथ पड़ेगा ही। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे तुम कैट वॉक करना ही सिखा दो। ओके लेट्स क्लैप फॉर रोहित ब्रांड। देख ले दादी, अब दबाओ इधर से, चलो। अब इसने सिखाया है तो करके तो मैं भी दिखाऊंगी। तू भी नहीं मानती है दादी कभी। तो दादी हूँ तेरी। दादी ऐसे करेंगी तो ना हो पाई भैया हमसे, ना हो पाई चचा, ना हो पाई हमसे। अच्छा चलो तो ठीक है, एक काम करो, अब मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। डांस करके दिखाओगे? मुझे डांस नहीं आता। दादी वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, डांस कैसे करेगा? डांस तो इसे करना पड़ेगा, भैया मेरे घर आया है, डांस तो करना पड़ेगा। चलेगा?